वेलकम बैक। जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने स्टेटमेंट दी है कि बलदियाती निज़ाम को तबाह किया जा रहा है, इसको बचाना चाहिए। हमारा आज टॉपिक भी यही है। हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारे साथ सलमान गनी साहब हैं, चीफ रिपोर्टर नवाए वक्त के, और उनके साथ साथ तारिक बशीर चीमा जो डिस्ट्रिक्ट नाजिम हैं बहावलपुर के, उनके साथ राव नसीम हाशिम साहब डिस्ट्रिक्ट नाजिम हैं पाकपटन के, और अहमद यार हिराज साहब जो खानेवाल के डिस्ट्रिक्ट के नाजिम हैं। और खानेवाल डिस्ट्रिक्ट नाजिम और बहावलपुर नाजिम के माशाल्लाह से दो टेन्योर्स ख़त्म हो गए, मतलब 8 साल से आप हैं और बहुत तरक्की हो रही है। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है कि PMLQ के जो मेंबर्स हैं और PPP के इकट्ठे इत्तेफाक से बैठे हुए हैं और एक ही पॉइंट पे इत्तेफाक करें कि बलदियाती निज़ाम होना चाहिए और बेशक इलेक्शन हो जाए, लेकिन इस तरह से 90 डेज जो अभी कह रहे हैं आपने, मुझे अभी बताया कि 90 डेज असल में नहीं है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर, तारिक साहब जो बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया था कि 1 साल के लिए इलेक्शन मुअख्खर कर दिए गए। वो सारी चीज़ें उनकी पूरी नहीं हुई, वो तो इन्हें उस वक्त ही ख़त्म करना चाहते थे। अब वो अपना असम्बली के अंदर कानून साजी करेंगे, उस कानून साजी में मेरा नहीं ख्याल कि अब वो 1 साल वाली बात रहेगी, क्योंकि उन पर आया खासा प्रेशर तरफ से। तो ये पहले की बात कर रहे हैं, पहले गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि हम नाजमिन की जगह एडमिनिस्ट्रेटर और 1 साल के लिए इलेक्शन मुअख्खर कर रहे हैं। 17वीं तरमीम पे कितना हलचल हो रही है, लेकिन वो इतना आईन के मुताबिक है कि इतना वो फुल प्रूफ है कि अभी बहुत मुश्किल हो रही है कि उसका कोई रेजोल्यूशन पास करना। जब आप लोगों की, जब मतलब कि ये बलदियाती निज़ाम बना था, किसी मुश्किल उसमें नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें उनके दरमियान तय है। उन्हें पता है कि जिस दिन ये हो गई तो नवाज शरीफ साहब की आंखें बदल जानी है। मगर जो 17वीं जो 17th अमेंडमेंट को जो तहफ्फुज़ है वो इसको क्यों नहीं है, क्यों इतनी वो लग रहा है कि हो जाएगा? इसको भी तहफ्फुज़ था, लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कवर था वो 31 दिसंबर को खत्म हो गया। इसको भी, वरना तो ये देखे ना, पंजाब में बलदियाती निज़ाम जो है ना वो पिछले 18 फरवरी के बाद से पैरालाइज्ड है। किसी, इस गवर्नमेंट ने एक दिन भी किसी नाजम को काम नहीं करने दिया। जिस अफसर को जिस जिले में भेजा जाता था, इस इंस्ट्रक्शन के साथ भेजा जाता था कि आपने नाजम की बात नहीं सुननी, नहीं माननी। सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्शन जो आई है वो ये है कि जी चेक्स बैलेंसेस अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कि किससे आप लोग अकाउंटेबल हैं, किसको फॉलो अप के, मतलब कि जो भी चीज़ें, जो काम के लिए फंड्स एलोकेट होते हैं वो कहाँ जाते हैं, कौन सुपरवाइज करता है और इंश्योर करता है कि ये चीज़ें वहीं पे इस्तेमाल हो रही हैं। अब अगर फंड्स मेरे ज़िले में गए हैं तो मेरे ज़िले में ही लगने हैं, किसी दूसरे ज़िले में तो मैंने लगाने नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या उन फंड्स में कोई खुर्द बुर्द हुई है, क्या वो ट्रांसपेरेंट अंदाज में लगे हैं कि नहीं लगे हैं, और अगर वो नहीं लगे तो ये पिछले 2 साल से क्या कर रहे हैं। इन्होंने पिछले 2 साल से इस निज़ाम को दीवार के साथ लगाया हुआ है और आज तक एक भी डिस्ट्रिक्ट नाजम के खिलाफ ये एक भी इंक्वायरी जो है वो सामने नहीं ला सके। तो मैं नहीं समझता इन बातों में कोई जान है, कोई जोर है, कोई ताकत है। ये सिर्फ ये है कि पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग के हवाले से ये बात करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये असल में आज तक की जो हिस्ट्री है ना, कि जो पोलिटिकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो इन मुकामी हुकूमतों को अपनी सौकन समझती हैं, और वजह सिर्फ ये जो मैंने बताई है कि जो डेवलपमेंट फंड है दुनिया के अंदर जो सिस्टम मुतारफ है, आप देखें कि न्यूयॉर्क का मेयर कितना बाख्तियार होता है। ये काम मुकामी गवर्नमेंट्स के हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, जो लोगों की फलाह बहबूद है, और गवर्नमेंट का काम कानून साजी का है। होता यह है कि हर पोलिटिकल पार्टी जब अपोजिशन में होती है तो उसका मौकफ कुछ और होता है, लेकिन जब वो इक्तदार में आते हैं तो वो अंधे इख्तियार की जो ख्वाहिश है ना उसे पूरी करने के लिए अब उन्होंने इसे टारगेट किया है। देखें, इसी सिस्टम को इसमें, इसको भी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जनरल मुशर्रफ के दौर में। उसमें अगर नाजमीन ने करप्शन किया है तो आज बड़े बड़े करप्ट जो है हुकूमत का भी हिस्सा है। जहां तक करप्शन की बात है, कि डिस्ट्रिक्ट नाजम का काम सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स है, और वो उसको असेंबली में पास करके DCO को भेजना होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के अंदर, DDC जिसको कहते हैं। द रेस्ट ऑफ द वर्क इज टू बी डन बाय DCO एंड द EDOs। डिस्ट्रिक्ट नाजम का जॉब वहां पे खत्म हो जाता है जब वो डिस्ट्रिक्ट असेंबली से उसको पास करवा के जो प्रोजेक्ट्स जो भी हैं। तो करप्शन की जो बात है, प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो DCO है, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता।
जैसे कि मैं हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट नाजम 4 साल से हूँ, मेरा एक बजट सिर्फ इम्प्लीमेंट हुआ है। हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ एक कॉलर है। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बोल रही हैं और कौन बोल रही हैं? जी मैं सीमा बात कर रही हूँ, कराची से बात कर रही हूँ। कैसे मजा आ रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सीमा आप कैसी हैं? प्रोग्राम पेश कर रही हैं जी, आपका कोई सवाल है? मैं अर्ज ये करना चाहती हूँ कि ये जो बलदियाती निजाम है, ये परवेज मुशर्रफ दौर की एक अजीब और गरीब यादगार है, ठीक है ना। इसमें आवाम के मसाइल तो बहुत ही कम हल हुए, ग्रास रूट लेवल पर अगर के मसाइल हल होने के लिए काफी फंड मख्तस किए गए, लेकिन हमने ये देखा सिंध समेत पंजाब, स्पेशली पेशावर में भी मैंने देखा कि वहाँ जो है फंड जो है लोग अपने जाती इस्तेमाल पे करते रहे, आवाम के मसाइल अब भी वही हैं, नालियां अब भी वही गंदी हैं, पानी अब भी लोगों के घरों पे नहीं आता, सर्वे सिस्टम अब भी वही है। मतलब मसाइल हल होने के बजाय पता चलता है कि पैरेलल दो गवर्नमेंट चल रही है। इस निजाम को होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसमें निजाम में तब्दीली की जाए ताकि अवाम को फायदा पहुंचे। ये जो काउंसलर्स हजरात, ये जो हमारे नाजिम हजरात जो जीत जाते हैं, ये इन्हें फायदा ना पहुंचे। मैंने तो बहुत सारे नाजिमों को देखा जो अरब पति हैं, जिनके जो कुछ भी नहीं थे, जो बिल्कुल जीरो मीटर थे, वो अब खरब पति अरब पति किस तरह से बन गए। तो इस निजाम में आप अवाम के साथ मुख मुकाव ना करें। आप जो कर रहे हैं अवाम के साथ, बहुत ही अजीब और गरीब लगता है कि अवाम को सब लोग लूट रहे हैं। तो कराची में आप देख लें कि कितना चेंज हुआ है। बहावलपुर का मैं बहुत इंप्रेस हूँ, क्योंकि मैं खुद जाकर देख चुकी हूँ बहावलपुर को, और जो तब्दीलियां आई हैं पाक पटन खानेवाल, मतलब कि हर एक डिस्ट्रिक्ट। तो इसलिए नहीं हो सकता कि शायद इतनी पावर ना मिली हो कि अगर आप, मतलब कि अगर किसी को आप कह दें कि जी आप नाजिम हैं लेकिन आपके हाथ बांध दिए गए, तो वो क्या कर सकेंगे? हाथ बांधने की बात नहीं, इनके पास तो अरबों खरबों कहां काश होते, ठीक है ना, अरबों खरबों डॉलर्स उनको गवर्नमेंट देती है। और हम कराची की जहां बात कर रहे हैं, वहां डेफिनेटली इन्होंने फ्लाई ओवर पुल बना दिए, तो इससे लोगों के मसाइल हल नहीं हुए। आज भी कराची में ट्रैफिक उसी तरह से जाम होती है। सबसे ज्यादा जो इन्होंने गजब किया कि इन्होंने तमाम घरों पर एक म्युनिसिपैलिटी टैक्स लगा दिए। आवाम बेचारे वैसे ही और ये सिस्टम जो है हर मुल्क के अंदर जो जमहूरियत है उसको मुसाकम करने का, उसे मजबूत करने का बायस बनता है। ये गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती कि वो कुछ सिस्टम खत्म करना चाह रहे हैं। देखिये जब नई असेंबलीज बन के आई है उसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है, काफ लीग भी मौजूद है। माजी के अंदर चूंकि नाजमीन का अक्सरियत का तल्लक काफ लीग से था, और इसमें कोई शक नहीं कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने अपना रोल अदा किया है, लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि जनरल मुशर्रफ ने इन नाजमीन को, इस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जिस पे उनकी रिजर्वेशन है। मैं समझता हूँ कि सिस्टम का तसलसल कायम रहना चाहिए, और आइन और कानून इस वक्त तक की सूरत हाल यह है कि अब पावर जो है नाजम टू नाजम ट्रांसफर होनी है, और वो पंजाब असेंबली में बिल लेके आ रहे हैं, जो मेरी मालूमात है कि सिस्टम पे इत्तफाक नहीं है। मतलब सिस्टम पे इत्तफाक है कि ये चलना चाहिए। अब चूंकि इनका डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम था वो इसमें बल जाती, तारिक साहब ने दुरुस्त कहा है। अच्छा आप देखें, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये अलमिया है हमारे लिए कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। सबसे पहले अयूब खान ने बुनियादी जमहूरियत के नाम पे, जनरल जियाउल हक ने बलदियाती सिस्टम के नाम पे, जनरल परवेज मुशर्रफ ने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम के नाम पे सिर्फ एक दफा इलेक्शन हुए, गालबन 1996 में नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन करवाया, पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कभी नहीं करवाया। मैं समझता हूँ कि सिस्टम का तसलसल कायम रहना चाहिए, और इस पर पोलिटिकल पार्टीज को मुशावरत करनी चाहिए। और गालबन इसी हालिया हफ्ते में पंजाब असेंबली के तमाम अरकान को एक्ट का मसौदा इन्होंने भिजवाया है, पंजाब असेंबली में भी बहस होनी चाहिए, तमाम असेंबलीज में बहस करके एक ऐसा सिस्टम तमाम लोगों की मशावरत से कायम होना चाहिए जिसका तसलसल हुकूमतों के आने जाने के साथ मशरूत नहीं होना चाहिए, ताकि वो सिस्टम आगे चले। बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक में, उसके बाद वापस आकर हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपने तीनों डिक्टेटर्स के नाम लिए कि उसके साथ ही बलदियाती निज़ाम को क्यों टाइन किया जा रहा है, हमेशा से यही हो रहा है। हालांकि जो फायदा है, जो भी मतलब कि ये लोग कर रहे हैं अपनी तहसील अपनी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, उसको क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? ब्रेक के बाद।